म्यूजिकज़ द पावर टू हील द सोल एंड पुल डिस्टेंट हार्ट टूगेदर फोन या टी वी पर गाना सुनना रिलैक्स करना अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि म्यूजिक हमें किसी और ही दुनिया में ले जाती है लेकिन फ़ोन और टी वी पर गाना सुनना एक बात है और लाइव म्यूजिक का मजा ही कुछ और ओनली अ रियल म्यूजिक फैन वुड अंडरस्टैंड द ब्लिस ऑफ लिस्ंग म्यूजिक इन अ लाइव कॉन्सर्ट इंडिया के अलग अलग जगहों पर म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते ही रहते हैं वेर सिंगर्स एंड म्यूजिशियस फ्राम अक्रॉस द ग्लोब शो केज देर टैलेंट स और म्यूजिक लवर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है टू गेट एंड एक्सप्लोर राय और यू पी लाइव पॉडकास्ट जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लाइव म्यूजिक की बात ही कुछ और होती है और आज की हमारी वीडियो भी ऐसे ही लाइव म्यूजिकल फेस्टिवल पर बेस्ड है आज मैं लेकर आई हूँ पाँच ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल्स जो आपको शुरू करते हैं और नंबर फाइव स्टॉम म्यूजिकल फेस्ट ये बैच बैंगलोर में होता है एंड इट सेलिब्रेट्स वेरियस म्यूजिक जॉन लाइक फोक इंडी एंड इलेक्ट्रॉनिक दिस म्यूजिक फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर फॉर थ्री डार्जलिंग नाइट्स ये फेस्टिवल जनवरी में होता है स्टॉन्ग फेमस है अपने वेन्यू के लिए जो ऑफर करता है एक यूनिक मिक्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद लाइव म्यूजिक ये फेस्ट एक एग्जाम्पल है ऑफ अ इवेंट विद अ कॉज क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये फेस्टिवल प्रमोट करता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विद इन इट्स वेन्यू इफिशियंट वेस्ट मैनेजमेंट Recycling used products and a strict no plastic policy is the characteristics of this eco-friendly music festival. Moving on towards number four, we have NH7 weekender, Pune, Bangalore, Kolkata, or Delhi mein ye Musical Fest. Hota hai.

और ये फेस्टिवल मोस्टली दिसंबर एंड में होता है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुंबई की तरफ अब अगला फेस्टिवल भी तो वहीं का है और नंबर थ्री वी हैव मूड इंडिगो मुंबई वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल्स इन द कंट्री आई बॉम्बे ऑर्गेनाइज दिस एनुअल म्यूजिक फेस्ट दैट ब्रिंग्स टूगेदर इंडियाज मोस्ट शॉर्ट आफ्टर म्यूजिक बैंड सोलह सौ पचास कॉलेजेस से ज्यादा के बच्चे यहाँ परफॉर्म करते हैं दिस फेस्टिवल इज फेमस फॉर ब्रिंगिंग सम ऑफ द फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट टू द कंट्री ये म्यूजिक फेस्टिवल प्रमोट करता है द सोशल कॉज ऑफ ब्लड डोनेशन और इवेंट में इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाती है दे टॉक अबाउट दिस ह्यूमिटेर एक्ट द फोर डे लॉन्ग इवेंट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ डिसम्बर एवरी ईयर सपनों की माया नगरी से आप चलते हैं हेवन ऑन अर्थ की तरफ वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर फेस्ट होता है इस फेस्ट में आपको देखने मिलेगा इलेक्ट्रिक मिक्स ऑफ क्लासिकल फोक सूफी जैज ब्लूज एंड इंडी मार्च में होता है ये विंटर फेस्ट इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विंटर स्पोर्ट्स म्यूजिक वाइब्रेंट कल्चर्स एंड टेस्टी फूड्स दो दिन तक ये फेस्ट चलता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाय द टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ जम्मू एंड 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 कश्मीर इन द ईच ईयर नाउ द जर्नी इज अबाउट टू एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्लेस इज़ एट नंबर इन द लिस्ट द वन इज एट नंबर इन द लिस्ट गो मैट फेस्ट इन ऊटी तीन दिन तक चलने वाला ये म्यूजिकल कार्निवल ऑर्गेनाइज होता है इन द वाइल्डनेस ऑफ नीलगिरी हिल्स इन ऊटी जो कि अक्टूबर में होता है

सो दिस वॉज आर लिस्ट ऑफ़ फाइव म्यूजिकल इवेंट्स जो आपको अटेंड करने चाहिए इसके अलावा अगर आप भी कोई म्यूज़िकल फेस्ट अटेंड करते हैं और जो आपको पसंद है उसके बारे में बताइए इंडिया कल्चर में वैसे भी बहुत रिच है और ऑलमोस्ट हर वीकेंड इंडिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई म्यूज़िकल इवेंट होता ही रहता है दिस इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे